हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप ब्यूटीफुल सा टॉप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पुरानी जीन्स से। यहाँ पे मैंने दो कलर की जीन्स यूज़ किया है, एक ब्लू एंड ब्लैक। सो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मेरे डेनिम के कुछ इस तरीके के पीसेस में कट कर लिया है। इन पीसेस को कट करने के लिए कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, आप बस रैंडमली इसे कट कर लीजिए, कोई छोटा या कोई बड़ा, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने इसे सारे पीसेस को कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद हम इसे प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे किस तरीके का हमें हमारा टॉप चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रैंडमली ही प्लेस किया हुआ चाहिए था, कहीं ब्लू कहीं ब्लैक, तो उसी तरीके से मैं इसे प्लेस भी कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने मेरे सारे डेनिम्स के पीसेस को प्लेस कर लिया है। अब इसे मैं जॉइन कर लूँगी एक दूसरे के साथ। सो हमें रॉन्ग साइड से इन सारे पीसेस को जॉइन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को जॉइन भी कर लिया है। अगर आपको इन्हें तीन कलर में क्रिएट करना है तो आप वाइट जीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसे थ्री कलर में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेस फैब्रिक भी कट कर लूँगी सो दैट ये एक नए सही से लेबल में हो जाए। सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा सारे फैब्रिक्स जॉइन होने के बाद। यहाँ पे मुझे थोड़ा लंबा टॉप बनाना था इसीलिए मैंने इतना फैब्रिक लिया है। आपको जितना बड़ा टॉप बनाना है आप उतने पीसेस को जॉइन कर लीजिए। उसके बाद हम इसे हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेंगे। हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेने के बाद हमें इसे अगेन एक हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेना होगा। सो यहाँ पर हमने 2 फोल्ड्स किए हैं एंड यहाँ पर हमारा 4 फैब्रिक्स एक साथ गैदर हुए हैं। अब हम मार्किंग्स करेंगे। मार्किंग्स करने के लिए यहाँ पे मैं नेक का मार्किंग कर रही हूँ। सो मुझे 4 इंचेस का लेंथ एंड 3 इंचेस का ब्रेथ चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है एंड एक वी शेप ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद 3 इंच का हम आर्म्स को मेजर कर लेंगे एंड 3 इंच से हम लेंथ लेंगे 8 इंचेस एंड वो हमारी आर्म होल्स होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम जॉइंट कर लेंगे। अगर आपको ये मेजरमेंट्स नहीं करना है तो आप सिंपली अपनी कोई भी टॉप प्लेस करके भी मेजर कर सकते हैं। और बॉटम पे मुझे एक यू शेप चाहिए था जिसके लिए हम एंड पोर्शन पे 3 इंचेस मार्क कर लेंगे एंड बॉटम से 3 इंचेस तक हमें कर्व लाइन लेते हुए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सारी कटिंग्स कर लिया है। कटिंग्स ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं मिडिल पोर्शन में हमारा नेक एरिया है एंड बॉटम पे कितना अच्छा राउंड शेप आया है। अब हम साइड में जो हमारा फैब्रिक है वो फोल्डेड होगा, उसे अनफोल्ड करने के लिए हम कट कर लेंगे एंड हम हमारा आर्म्स जॉइन कर लेंगे एंड साइड के फिटिंग्स भी जॉइन कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं हमने हमारे आर्म्स जॉइन कर लिए हैं, हमने आर्म होल भी हेम कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार है एंड इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान था। इस टॉप को आप बेल्ट के साथ कैरी करेंगे, ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आप इसे और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं। सो गाइज ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।